अपने देश में किसानों की आय यानी कि इनकम में वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार और भारत सरकार चला रही है, जिसका लाभ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से मिल तो रहा है और हाँ, भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं को चलाने का मुख्य उद्देश्य देश की कुल उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ ही किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाना भी है। खेतीबाड़ी के अलावा किसानों को अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए हमें खेती के साथ साथ हमें कृषि पूर्वक उद्योग भी करना बहुत जरूरी है। तो भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मधुमक्खी पालन लोन योजना। तो नमस्ते भाइयों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत पाटिल, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि सेवा में। तो आज हम बात करेंगे मधुमक्खी का पालन यानी कि मधुमक्खी पालन हनीबी फार्मिंग। किसान भाइयों, हनीबी को अगर देखा जाए तो हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में एपिकल्चर भी कहते हैं और इसे हम मराठी लैंग्वेज में मधुमाशी पालन भी कहते हैं। तो मधुमक्खी का पालन का आधुनिक वैज्ञानिक तरीका अगर देखा जाए तो हमें ये पश्चिम की देन है जो हमें 1789 में स्विट्जरलैंड के फ्रांसिस हुबेर नामक एक फार्मर ने लकड़ी की पेटी में सबसे पहले ये मधुमक्खी का पालन का शुरुआत किया और उससे लेकर आज तक का उनमें बहुत सारा रिसर्च हमारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो या फिर से एपिकल्चर बोर्ड, एपिकल्चर रिसर्च स्टेशन हो, इन्होंने बहुत सारे हमको रिसर्च किए हैं और वही मैं आपको आज अपने इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ग्रामीण क्षेत्रों के मुनाफा देने वाला सबसे अच्छा, बढ़िया और सरल कोई बिजनेस होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस होगा तो वो है मधुमक्खी पालन। तो सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए मधुमक्खी पालन पर अगर देखा जाए तो 80% से लेकर 85% तक का सब्सिडी देती है और एक्सपर्ट टीम अगर माने हम तो कम से कम 10 पेटी का अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं लकड़ी पेटी में तो हमें कम से कम 40,000 से 50,000 तक खर्चा आता है और उनमें से हमें अच्छी खासी हमें इनकम भी आ जाती है। मधुमक्खी का अगर हमने देखा जाए तो साधारण अगर देखा जाए तो कम से कम ओनली 40 to 45 days में या फिर 15 से लेकर 30 days में अपनी इस जो हमें एपिस डोरसाटा या फिर अपना एपिस इंडिका जो हमारी हमने मधुमक्खी चूज की है उसमें से हमको थोड़ा बहुत उसका टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन वो कम से कम 15 से लेकर 30 दिन के भीतर अपने वो मधुमक्खी का शहद हमें तैयार हो जाता है। और किसान भाइयों, मैं आपको ये बिजनेस करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप मार्केट में जाए तो कम से कम प्रति किलो हमें शहद 350 से लेकर 400 रुपए तक मिलता है और बाकी अगर कुछ प्राइवेट कंपनी की बात किया जाए तो हमें कम से कम वो 600 रुपए तक किलो केजी के हिसाब से देखिए मिलता है। इसलिए हमें मधुमक्खी का पालन करना है और हमें हमारा जो खादी ग्रामोद्योग मंडल है वो भी हमें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित करता है। मधुमक्खी पालन के लिए हमें स्थानीय कृषि विभाग जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं या फिर अगर आपके नियर बाय कोई कृषि विश्वविद्यालय हो जिसे हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं या फिर कृषि विज्ञान केंद्र हो या फिर कोई अपना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का रिसर्च स्टेशन हो, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमें हर जिले में या फिर हर कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग मिलती है तो हम उनका जो शेड्यूल है उनके शेड्यूल के हिसाब से अपना नामांकन करके हम उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आपको उतरने के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया तो आप इस बिजनेस आप कर नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट जो अपनी मधुमक्खी होती है ये एक आध बार अपने पे अटैक भी कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको इस बिजनेस में ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको आगे आगे समझाता चलूँगा। इनमें अगर देखा जाए किसान भाई तो हमें इनमें क्वीन जिसे हम रानी कहते हैं, रानी माशी, वो उसका अगर हम आयु देखा जाए तो कम से कम 5 साल तक का होता है और जो वर्कर जिसे हम कहते हैं जो श्रमिक मक्खियाँ होती है वो कम से कम हमारा 45 से लेकर 50 days तक का वो उसका एज होता है। अब और दूसरी बात देखा जाए तो सबसे अच्छे अगर स्ट्रेन है तो एपिस इंडिका या फिर एपिस मेलिफेरा, ये दोनों अगर आपने देखा जाए तो इनका शहद भी अच्छा होता है
और इनका मोम भी अच्छा होता है। इसलिए आपको एपिस इंडिका किस ब्रीड या स्ट्रेन वैरायटी या फिर एपिस मेलिफेरा की आपको वैरायटी चूज करनी है अपने जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी का पालन के लिए, तो इससे हम सबसे ज़्यादा अच्छा शहद पा सकते हैं। मधुमक्खी अगर देखा जाए तो सबसे इसका अगर सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट बताया जाए तो हमारा ये सबसे अच्छा फ्रेंड है। काहे के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो सनफ्लावर में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करने के लिए या फिर दूसरे क्रॉप में पॉलिनेशन करने का क्रम अगर कोई कीटक करता होगा तो वो है अपना हनी बी, जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं। इसलिए ये नेचुरल पॉलिनेटर भी कहा जाता है, जो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो मधुमक्खी का उपयोग अगर देखा जाए हमने तो शहद, मोम, इसके अलावा हम उसको गोंद भी हम तैयार कर सकते हैं, उसके बाद में प्रोपोलिस तैयार कर सकते हैं, रॉयल जेली हम इससे हम तैयार कर सकते हैं, आदि बहुत सारे चीज़ों की हम अपने मधुमक्खी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के कम से कम अगर देखा जाए तो बहुत कम लागत का बिजनेस है। मतलब अगर आपने एक पेटी का देखा जाए तो 3-4 हज़ार में एक पेटी आपकी आ जाती है, और अगर आप 10 पेटी का बिजनेस करते हो तो 30-40 हज़ार में आपका बिजनेस ये स्टार्टअप हो जाता है। और आप इसके कम लागत में आप अच्छी तरह से आप उसको मुनाफा भी कमा सकते हो किसान भाई। तो मार्केट में अगर देखा जाए तो क्योंकि मैं ये बिजनेस करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोम की और शहद की सबसे ज़्यादा डिमांड है अपने मार्केट में। और सबसे अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट मधुमक्खी का पालन हमें ये धन लाभ तो करता ही है मधुमक्खी, उसके साथ साथ पर्यावरण भी संतुलित करने का काम अगर देखा जाए तो अपना ये जो मधुमक्खी ये करती है। तो किसान भाई, मधुमक्खी पालन जो है अगर आप स्कीम की तरह करना चाहे, मतलब हम जैसे कहते हैं हम लोन या फिर सब्सिडी के तहत अगर करना चाहे तो आपको कुछ चीज़ें है, मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख या 2 से 5 लाख तक का लोन आपको दिया जाता है। उनमें से 25% तक सरकारें आपको अनुदान देती है, डिपेंड अपॉन यूर अपने स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वो जो ग्रांट है वो कम ज़्यादा होती है। और उसके बाद में खादी ग्रामोद्योग भी सब्सिडी आपको देती है, और हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 50% तक की सब्सिडी देने का घोषित किया है। मतलब आप अगर देखा जाए तो 70% से लेकर 85% तक का सब्सिडी हमें इन योजना में मिल सकता है। इसलिए ये सबसे अच्छी स्कीम है, लोन भी आपको मिलता है, उसके बाद में इससे सब्सिडी भी मिलती है। किसान भाई, अगर हमने देखा जाए सबसे बढ़िया तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि इसमें मटेरियल कौन कौन से लग सकते हैं। तो मटेरियल में देखा जाए तो एकदम सिंपल चीज़ है, लकड़ी के बॉक्स लगेंगे आपको, उसके बाद में आपको हाथ के दस्ताने जिसे हम बोलते हैं मतलब हैंड ग्लोव्स वो भी लगेंगे, उसके बाद में आपको क्वीन रानी मक्खी लगेगी जिसको हम रानी माशी बोलते हैं जनरली, वो रानी मक्खी लगेगी आपको, क्योंकि वो रानी मक्खी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उससे ही हमको अन्न मिलते हैं और उससे हमको ज़्यादातर वर्कर माशी मक्खियाँ मिलती है। और दूसरी बात, खुली भूमि होनी चाहिए, मतलब ओपन पेज जिसे हम कहते हैं होना चाहिए। और अगर शहद का हो सके तो अगर एकत्रित करने का मशीन और फिल्टर करने वाला जो का चीज़ है, मतलब अपने वो फिल्टर वगैरह वो अगर आपके पास रहे तो इन 4-5 चीज़ों की आपको चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। और ये चीज़ लेने के लिए आपको गवर्नमेंट 75% तक का सब्सिडी भी देती है। ऐसा नहीं है कि आप बस जाओ और ले गया, अगर आप ये चीज़ें खरीदना चाहते हो तो आप जहाँ से खरीदते हो वहाँ से पक्का बिल लगेगा और आपको 75% तक का गवर्नमेंट आपको अनुदान भी सब्सिडी भी आपको मुहैया कराएगी। अब फार्मर को क्या लगता है या किसान भाई को लगता है कि ये सब ठीक है सर, लेकिन हम इसका शुरुआत कैसे करें? तो हाउ टू स्टार्ट द हनी बी फार्मिंग और हाउ टू स्टार्ट द मधुमक्खी पालन की हम शुरुआत कैसे करें? तो इनमें सबसे अगर देखा जाए तो फार्मर को ये मालूम होना चाहिए कि मधुमक्खी की कम से कम 20,000 प्रजातियाँ पूरे वर्ल्ड में है, और सब प्रजातियों से हमें मधु नहीं मिलता, जिससे हम कहते हैं शहद नहीं मिल सकता हम सब मधुमक्खी से। हमें सिर्फ 4 ऐसी मधुमक्खियाँ हैं जिनसे हमें शहद प्राप्त होता है, इनमें से मैंने आपको 2 बोल दिया,
एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा, ये दो ऐसे ऐसे स्ट्रेन है जिनसे हमें अच्छी क्वालिटी का शहद भी मिलता है और अच्छी क्वालिटी का हमें मोम भी मिलता है। इसके लिए किसान भाइयों को मेरे एक बार फिर कहना होगा कि प्रशिक्षण आपको लेना ही होगा, विदाउट प्रशिक्षण के लिए आप ये कर नहीं सकते। तो प्रशिक्षण लेने के बाद ये आप बिजनेस आप आरंभ कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैंने आपको कहा कि तीन प्रकार होते हैं इन मधुमक्खियों के। सबसे पहली रानी मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं क्वीन, ये कम से कम 24 घंटे में 800 से लेकर 1500 अंडे देती है, 1500 अंडे जनरली देती है। मतलब आप सोच लो इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट कितना ज़्यादा है। दूसरा होते हैं वर्कर, हम जैसे हम कहते हैं हनी बीज, तो उसको कहते हैं हम हिंदी में श्रमिक। तो ये जो होते हैं जो मादा जो रानी अंडे देती है, वो अंडे में से जो कुछ अली बाहर निकलती है उन अलियों को खाना देने का काम ये उस श्रमिक मासी या वर्कर करती है। और ये अगर कम से कम एक बॉक्स में कम से कम 20 से 25 हज़ार होने चाहिए या फिर 30,000 तक भी रही तो भी सब अपना अच्छा ये काम करती है। और तीसरा होता है ड्रोन जिसे हम कहते हैं मेल यानी कि नर, क्योंकि नर के सिवाय तो प्रजनन हो नहीं सकता। मतलब ये जो नर है ये मादी को मतलब रानी मासी को गर्भवती करने के लिए जिसे हम कहते हैं गर्भधारणा करने के लिए इसका सबसे अहम रोल होता है। इसलिए ये कम से कम बॉक्स में 300 से 400 से लेकर 400 तक नर होने ही चाहिए। मतलब एक रानी मासी उसके बाद में कम से कम 20 से 30 हज़ार तक का श्रमिक वर्कर और कम से कम 300 से 400 लेकर नर होने चाहिए जो अपना अच्छी तरह से आपका शहद आपको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपने देखा जाए तो हमें कहाँ अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये हम आपको वन बाय वन समझाते चलेंगे किसान भाइयों। तो इनको अप्लाई करते वक्त अगर देखा जाए आपको तो सबसे पहले जो अपना लोन स्कीम है इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो आप जो भारत का कोई भी नागरिक हो अपना भारत देश का वो इसमें अप्लाई कर सकता है या ये लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, दैट इज़ एलिजिबल पर्सन। उसके बाद में उसकी जो एजुकेशन है वो कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए, 8th स्टैंडर्ड उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर देखा जाए जो फार्मर ये शहद का बिजनेस या फिर हनी बी रीयरिंग पहले से करता हो, मधुमक्खी पालन अगर पहले से करता हो तो उसको प्रेफरेंस से ये बिजनेस करने के लिए लोन या सब्सिडी जनरली मिलती है। और जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है या फिर जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको प्रेफरेंस से भी मिलता है। और यह अगर आपने ट्रेनिंग नहीं भी लिया है तो आपको निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। आपको जो कोई मैंने आपको बोला कीवी की होगा या फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड होगा या फिर NBHM होगा, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इनके तहत आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और जो आपको निःशुल्क होगा ये ट्रेनिंग आपको लेनी जरूरी थी जनरली वगैरह। और जो अपने जिला उद्योग माहिती केंद्र जो होते हैं उनसे भी आपको उसकी ट्रेनिंग मिल जाती है जिससे आप अपना हनी बी का बिजनेस कर सकते हैं। अब ये बिजनेस कर कौन कौन सकता है, देखिए जो बेरोजगार है वो भी इसका बिजनेस कर सकता है, जो जिसके पास खेती है वो भी बिजनेस कर सकता है, जिसके पास खेती नहीं है वो भी बिजनेस कर सकता है, जो इसमें इंटरेस्टेड है मतलब महिलाएं भी इसमें बिजनेस कर सकती है, या फिर आपका क्लस्टर है FPO जिसे हम बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है तो भी आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। मतलब मिलजुला कर देखा जाए तो जो इंटरेस्टेड है इस बिजनेस में या फिर इस फार्मिंग में वो सब इसको कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं इसके बारे में आपको बोलता हूँ। आधार कार्ड लगेगा आपका, उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम निवास का प्रूफ कहते हैं, उसके बाद में बैंक का पासबुक, मोबाइल नंबर, फोटो एक्सेट्रा तो डॉक्यूमेंट लगते हैं। मतलब बैंक का हम प्रपोजल तैयार करते हैं, प्रपोजल लगेगा या फिर अपना लैंड के डॉक्यूमेंट जो के होंगे वैसे कुछ जो बैंक को लगेंगे वो सब आपको देने पड़ेंगे। और इसको अगर देखा जाए फार्मर बंधु तो ये पूरे प्रोसेस होने में कम से कम 2 या 6 महीने तक का अवधि लग जाता है। आप अगर सोचते होंगे कि हमने आज एप्लीकेशन किया और हमें लगेज कल या फिर 8 दिन में लगेज हमको मिल जाना चाहिए ये इसका लोन या फिर सब्सिडी, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम 2 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ तक का इसका
प्रोसीजर होता है, उसके बाद में आपको आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग द लोन, या फिर आपका चयन हो चुका है, उसके बाद में आप अपना बिजनेस से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं लोन्स के लिए, ये मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मधुमक्खी का पालन एवं शहद मिशन, जिसे हम कहते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी बी मिशन, या फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये मिशन ये जो अपना है, इनके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में इनका जैसे आपका होम पेज खुलेगा इंटरनेट पे, होम पेज खुलने के बाद में मधुमक्खी पालन योजना जो स्कीम है उस पर आपको क्लिक करना है। और एक बार उसने आपने वो लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपको सबके सब आ जाएंगे, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन वो आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट इस बटन पे आपको क्लिक करना है। और एक बार आपने क्लिक किया कि अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में आपको उसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद सब जो उन्होंने पूछी हुई चीज़ें वो ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है। और अगर आपको भरना नहीं आता है तो कोई पढ़े लिखे आदमी से आपको अच्छी तरह से वो सब फिलअप कर लेना है, सारे स्पेसेस वगैरह। और उसके पश्चात आपका जो नज़दीकी मधुमक्खी पालन केंद्र हो, या फिर खादी ग्रामोद्योग मंडल हो, या फिर अपना कृषि विभाग हो, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र हो, या फिर नेशनल जो मैंने आपको बोला जो गवर्नमेंट का ऑफिसेस होगा, जिला उद्योग केंद्र वगैरह, इनके साथ उनके पास जाके आपको वो फॉर्म भरना होगा, या फिर वो जहाँ कहेंगे वहाँ जाके आपको फॉर्म ये देना होगा। और आपका चयनित, मैंने आपको कहा कि आपका चयनित या फिर सिलेक्शन होने के बाद में आपको मैसेज आएगा, फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो देने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं है ट्रेनिंग तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा जो फिलअप कॉस्ट होता है, और उसके बाद में आपको ऋण, जिसे हम कहते हैं लोन, वो आपको प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए मैं किसान भाई को कहता हूँ कि आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या फिर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इनके जो गुरुग्राम में है, हरियाणा में है, जिनका टेलीफोन नंबर मैं आपको दोहराता हूँ 01242342992 2347441 2342999 या 90। और अगर मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ 01242342992 2347441। और अगर फैक्स देखा जाए तो 2342991। और अगर ईमेल देखा जाए तो md@mhb.gov.in, ये उनका ईमेल आईडी है। यार आप इसे तो आप सिंपली अगर गूगल सर्च इंजन पे आप NHB या फिर NBHM अगर सर्च करेंगे तो आपको सिंपल सा उनका पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद में आपको ये पूरी अपनी इंफॉर्मेशन ये फिलअप कर देनी है। और ये जो योजना है, इस योजना का आपको प्रॉफिट लेना है, इस काम को बिजनेस अच्छी तरह से करना है, जिससे हमारी वृद्धि हो सकती है। और अगर किसान भाइयों, हमें खेती तो करना ही है, खेती हमारा एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन उनके साथ साथ अगर हम कोई अच्छा दूसरा बिजनेस कर सकते हैं तो बी कीपिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो हमें अच्छी खासी लागत, कम लागत में हमें अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। तो मैं सब किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आपने बी कीपिंग, जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी पालन, मराठी में मधुमक्खी का पालन, आप करेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी होगी तो आप ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपा करके सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है, इसलिए आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो कोई एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है उस आप वीडियो में से आप देख सकते हैं, जिससे आपकी खेती में बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो इन सब का आप लाभ लीजिए और अपनी खेती अच्छी कीजिए, अपने साथ साथ अपने भारत देश का भी विकास कीजिए, यही मैं आशा रखता हूँ और रुकता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।